टाइटल और थंबनेल देखकर आप ये सोच रहे हो कि सैम भाई ये क्या पागलबंदी कर रहे हो यार, हाथ में चोट लगी हुई है और इस टाइम पे आपको ये सब कुछ करने की लगी हुई है। पता है लाइफ में ना पागलबंदी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पर यार लाइफ है ना जीने में मजा नहीं आता। एनीवेज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पी। चल अच्छा मैं जा रहा हूँ, पीछे से कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, समझ गई? तो यहाँ चल रहा है अभी घर का काम, किचन का, और अपन को निकलना है, लेट हो गए हैं, लाल परी पे चलते हैं, पता नहीं स्टार्ट होगी नहीं होगी, देखते हैं। ओके हो गई हो गई हो गई हो गई, 13 किलोमीटर 33 मिनट, फाइनली कितने दिनों बाद मेरे को मोटो ब्लॉग करने के लिए मिल रहा है। और अपने हाथ को स्टेबल रखने के लिए मैंने पहना हुआ है रिस्ट बैंड, डॉक्टर सर ने सजेस्ट किया था कि रिस्ट बैंड पहन लेना अगर आपको कुछ भी अनइवन लगे बोन के अंदर। शाम के टाइम निकल रहा हूँ, ये है ऑफिस का पीक टाइम, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ नाइट में राइड करने का, क्योंकि ये देख रहे हो ये गड़बड़ियाँ होती है। अभी तो हम लोग अपनी लाल परी पर है, खाली है बिल्कुल, लेकिन जब लोडेड बाइक होती है अपनी निम्बस, तो ऐसे टाइम पे ना उसको राइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और आप सीधे गिर जाओगे। और जो आपका माचो है, माचो समझ गए ना मेरी बात, जो आप रोड पे निकल रहे हो अच्छे से माचो स्टाइल में, वो सारा माचो धरा का धरा रह जाएगा। और ऐसे टाइम पे क्या होता है कि अपने को क्लच बहुत ज़्यादा दबाना पड़ता है, क्लच प्लेट हीट होती है। अगर आपका समर का टाइम है तो क्लच प्लेट आपकी जलने लग जाएगी। हम लोग करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस वाली टूरिंग, जिसके अंदर हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ट्रैफिक में इतना राइड कर लोगे ना, तो बस हो गया काम, फिर तो क्लच प्लेट बोल ही जाती है। फिलहाल राइड करने में कोई परेशानी नहीं हो रही है, मेरा हाथ अच्छे से काम कर रहा है अभी, लेकिन इसके अंदर जो भी नसें हैं ना वो वर्किंग नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, तो अगर थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है ना तो वो दर्द करने लग जाता है। अबे यार, एक तो ये GoPro ना बार बार हैंग हो जाता है, मुझे लगता है शायद जो इसका हैंग होने का मेन रीज़न है, अपनी GoPro की बैटरीज ओल्ड हो चुकी हैं, तो शायद मेरे को लगता है कि अपनी पुरानी बैटरीज हो चुकी हैं, तो इस वजह से ये हैंग होता है बार बार, और जो भी मन की बात हम लोग बोलने वाले होते हैं वो वहीं की धरी रह जाती है। तो फिलहाल आज हम लोग जा रहे हैं एक स्कूटर का टेस्ट राइड लेने, वो तो आपने टाइटल और थंबनेल से देख ही लिया होगा। हम लोग जा रहे हैं अप्रीला 160 SXR का टेस्ट राइड लेने, और जो है 160 CC का। अब वो क्यों मैं प्लान कर रहा हूँ लेने के लिए, क्या सोच रहा हूँ, इसका जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में देता हूँ, लेकिन मुझे उसको चेक करना है। एक तो आप इसका सेटिंग पोर्शन देख लो, जिस तरीके से अभी व्यू आ रहा है, और जो हम लोग जिसकी टेस्ट राइड लेने जा रहे हैं उसका व्यू पॉइंट देखना कि कौन सी बेटर लग रही है, उसकी माइलेज, उसका फ्यूल, और जो जो मेन मेन चीज़ें हम लोग वो चीज़ नोटिस करेंगे कि एक लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग क्या उस पर मैं अच्छे से कम्फर्टेबली कर पाऊँगा, या फिर यू नो एक नॉर्मल स्कूटर ही है। तो आज का टास्क हमारा यही है, चलते हैं स्कूटर चेक करते हैं। वैसे यामा का भी एक 155 सीसी का एरोक्स नाम से स्कूटर आया है, जिसकी माइलेज, परफॉर्मेंस, BHP वगैरह सब कुछ बेटर है अप्रीला 160 SXR से। तो देखते हैं, अगर उसकी टेस्ट राइड अवेलेबल हुई तो पास में शोरूम है अपने यामा का, तो उसकी भी टेस्ट राइड ले लेंगे और चेक करेंगे कि अगर हम लोग 80-90 उन स्कूटर को चला रहे हैं तो विंड ब्लास्ट अपने GoPro में रिकॉर्ड ना हो। ये काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान देना है, तो नोटिस करना कि उस वाले स्कूटर को लेके चलाने में हमें किन किन चीज़ों का यू नो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, क्या क्या कमियां हैं, क्योंकि यार एक लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग में ना अगर आपका राइडिंग पार्टनर बोले तो अपना दोस्त तो है ही, फिलहाल जो मेन पार्टनर होता है बाइक, आपकी कार या फिर आपका स्कूटर, वो सबसे बेस्ट होना चाहिए ताकि आप अच्छे से अपने ट्रिप को कम्प्लीट कर पाओ। तो भैया आज अपना GoPro बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है, तीसरी बार हैंग हो गया घर से निकलने के बाद, और जो भी मैं बोलने वाला होता ना उसी टाइम पे ये हैंग हो जाता है और फिर मैं भूल जाता हूँ।
देखो यार कैसी कैसी गड़बड़ियाँ हो रही है। फिलहाल जिस स्कूटर की टेस्ट राइड लेने जा रहे हैं तो उसकी एसेसरीज भी देखना है कि किस तरीके से इंस्टॉल होगी। यार वो जुगाड़बाजी नहीं, यार जुगाड़बाजी में ना मज़ा नहीं आता है और चीज़ें ना यू नो अनबैलेंस रहती है। जैसे मैंने इसमें ये जुगाड़बाजी करके ये लगाया हुआ है लेकिन ना ये चीज़ें ना अनबैलेंस रहती है, हिलती रहती हैं और टूर करने में ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये चीज़ें भी सारी देखने की, हम लोग मोबाइल होल्डर कैसे लगा सकते हैं, चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल है या नहीं है, और साइड मिरर ऐसे यू नो ऑफ रोड करने पे हिल तो नहीं जाएंगे। भैया आज काम हो जाता है अपना, मैंने यहाँ पे मोबाइल लगाया हुआ था और इसका ना स्क्रू लूज़ हो गया। शुक्र बनाओ ज़्यादा ऑफ रोड नहीं था, अगर ऑफ रोड होता तो मोबाइल गिर जाता। और आज होता है काम, फटाफट चलते हैं ऊपर और लेते हैं फटाफट से टेस्ट राइड। ओके तो स्कूटर मिल गया है हमें रेड कलर का और देखते हैं। ओहो बैठ के तो थोड़ा सा बाइक वाला फील आ रहा है हैंडल पकड़ने में पूरा। तो इसका स्पीड तो बंद किया हुआ है इन्होंने, मीटर बंद किया हुआ है टेस्ट राइड के लिए। ओहो ब्रेकिंग तो ज़बरदस्त है मेरे भाई, इसमें ABS भी है भाई। ब्रेकिंग तो बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब आप कितने भी उस पर हो गए स्पीड पे तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। सीसी का इंजन है और आई थिंक इसका जो BHP है 13 है, आई थिंक 13 BHP का स्कूटर है ये शायद। भाई कंफर्टेबल तो है चलाने में, तो मेरे को बताओ व्यू कैसा लग रहा है, ज़बरदस्त है या नहीं है। पिकअप ठीक है, पिकअप में मज़ा आ रहा है। जितने भी मेरे को गड्ढे मिल रहे हैं, मैं मतलब जितना भी रोड ख़राब है ऐसा लग रहा है कि लाइक मैं बाइक ही चला रहा हूँ, मतलब सस्पेंशन इसके बिल्कुल बाइक वाले हैं। मुझे आप बताओ कि सिटिंग पोस्चर ठीक लग रहा है, आगे का व्यू अच्छा लग रहा है, और बाकी ओवरऑल लुक तो मैं आपको शोरूम के अंदर ही दे दूँगा क्योंकि बहुत सारे स्कूटर खड़े हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई 150 CC की बाइक चला रहा हूँ और गड्ढे भी बिल्कुल पता नहीं लग रहे हैं, फुल बाइक वाला फील आ रहा है इसके अंदर। तो टेस्ट राइड ले लिया, टेस्ट राइड करके मज़ा आ गया भाई साहब, ऐसा फील आ रहा था जैसे मैं कोई 150 CC की बाइक चला रहा हूँ। मतलब जितनी भी मैं गड्ढों में से निकल रहा था, छोटा मोटा ऑफ रोड आया था उसमें भी वही फील आया कि जैसे एक नॉर्मल हम लोग 150 CC की बाइक चलाते ना वैसा ही फील आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आपको पता है यार, जब हम लोग 400 CC की बाइक चला रहे हैं तो 150 CC और 400 CC में फ़र्क पड़ेगा। तो देखते हैं, अभी प्लान मैं सोच रहा हूँ दिमाग में कि क्या करना है। पेपर वर्क अभी इधर चल रहा है और फाइनेंस ऑप्शन भी देख रहा हूँ और कैश का ऑप्शन भी देख रहा हूँ। जो डील बेटर लगेगी, जहाँ पे मेरे को लगेगा फ़ायदा है तो अपन क्रैक कर लेंगे। फिलहाल अभी मन बनाना पड़ेगा। फिलहाल आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि क्या आपको सिटिंग पोस्चर, आगे का व्यू, ये सब कुछ पसंद आया या नहीं, या फिर आपको थोड़ी सी बोरियत फील हो रही थी। जो भी जेन्युइन चीज़ है मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं अपने अपकमिंग एडवेंचर सीरीज़ के ऊपर। तो भैया ये है अप्रीला 160 SR, ये है अप्रीला 160 SXR, जिसमें ये वाला कलर भी है। देखो अपने को कलर से मतलब नहीं बनता क्योंकि आपको पता है जब सैडल बैग वगैरह और बाकी एसेसरीज लग जाती है तो कलर ढक ही जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने चेक कर लिया है, चलाने में ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है बाइक की तरह। तो मेरे तो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गए, बस मैं भैया से एक बार एसेसरीज के बारे में बात कर लेता हूँ, क्योंकि जो ये नकल गार्ड है, हैंड गार्ड, मेरे को यू नो मस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग हाईवे पर राइड करेंगे ना तो हवा चलेगी, ठंडा लगेगा और आपको पता है अपना हाथ ठंडा पड़ना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का भी देखना पड़ेगा कि इसका अगर शोरूम से अवेलेबल नहीं हो पाता तो बाहर हम लोग कहाँ से करवाएंगे, क्योंकि अब इंटरनेशनल राइड करनी है इसके ऊपर तो कुछ ना कुछ तो प्लान करना पड़ेगा। तो काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं फटाफट घर। ओके
ओके तो मैं घर आ गया हूँ, मैंने टेस्ट राइड ले ली, जितनी भी चीज़ें थी वो सब समझ ली, यू नो फाइनेंस का ऑप्शन भी देख लिया, डील ठीक ठाक मिल रही है और कैश का भी ऑप्शन देख लिया और मेरे को सेम डे डिलीवरी भी मिल रही है अगर मैं परचेस करता हूँ तो। और दूसरी चीज़ नंबर प्लेट भी मेरे को वो 2-3 दिन के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं और 1 हफ्ते के अंदर RC भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसा उन्होंने मेरे को बोला है कि यू नो मैं फिर उनको पता लगा कि मैं यूट्यूबर हूँ और मेरे को फिर राइड्स वगैरह करनी है, तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको 1 हफ्ते के अंदर सब कुछ मिल जाए और लेने के बाद मॉडिफिकेशन वगैरह कराना है तो इतना टाइम तो लगेगा। लेकिन मैं अभी कन्फ्यूज हूँ, मैंने थोड़े से रिव्यू देखे थे, यामा का एरोक्स नाम से एक स्कूटर आया है, वो भी मैक्सी स्कूटर है लेकिन उसका BHP और पावर इससे बेटर है और जो सीट के नीचे स्पेस होता है वहाँ पे भी काफ़ी सारा स्पेस है, मतलब 24 लीटर का स्पेस अवेलेबल है, लेकिन इसके अंदर ओनली हाफ फेस हेलमेट रखने का ऑप्शन है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो उस स्कूटर के पीछे पता नहीं टॉप बॉक्स लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन इस वाले स्कूटर के पीछे हम लोग टॉप बॉक्स इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, वो ऑप्शंस है, हमें बस फ्रेमिंग वगैरह सेट करानी पड़ेगी। मतलब कि अभी यार दोनों तरफ से 50-50 मामला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कल यामा के शोरूम चलते हैं और वहाँ पे भी उस वाले अगर टेस्ट राइड मिलेगी तो टेस्ट राइड कर लेंगे, अदरवाइज उसका ओवरऑल लुक देख लेंगे। अब काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल चल रहा होगा कि सैम भाई आप स्कूटर क्यों परचेस कर रहे हो, थोड़े टाइम रेस्ट कर लो। यार कम से कम ना इस हाथ को ठीक होने में, यू नो परफेक्ट नो बाइक की क्लच दबाने में अभी नॉर्मली तो मैं दबा पा रहा हूँ, लेकिन यार जब हम लोग ना उसमें ट्रैफिक में फंसते हैं या फिर ऑफ रोड में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें बार बार दबाना पड़ता है और बिल्कुल दबा के भी रखना पड़ता है, कई सिचुएशन ऐसी होती है, तो अभी ये हाथ उतना परफेक्ट नहीं है और लगभग इसको 6 महीने लगेंगे उतना कन्वर्ट होने में। लेकिन अपन स्कूटर अच्छे से चला सकता है, स्कूटर में तो सिर्फ रेस देना होता है, तो अपने पास जब ऑप्शन अवेलेबल है हम क्यों ना उसको यूज़ करें, क्यों बेड पे पड़े रहे, क्यों फालतू में डिप्रेशन में जाए, क्यों फालतू की बातें सोचे जब भगवान ने हमें एक रास्ता और दे रखा है। माना इस पे थोड़ा टाइम लगेगा टूर करने में, यू नो रास्तों को कवर करने में, हाईवेज को कवर करने में, लेकिन यार तो वो बोलते हैं ना अगर ज़िंदगी जीनी है तो यार कहीं ना कहीं तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। चलो ये वीडियो एक काम करते हैं, यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, बाकी इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लो और मेरे को कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि स्कूटर कैसा लग रहा था, लुक अच्छा आ रहा था या नहीं आ रहा था जो हम अपनी मोटो व्लॉगिंग करेंगे। तो चलो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, टिल देन गुड बाय।